हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस स्वागत है आप सभी लोग का मेरे नए ब्लॉग पे। तो गाइस अभी आज ब्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया था क्योंकि कल रात को मेरी गाय की जो हेडलाइट है तो जल नहीं रही थी वो, तो अभी मैंने दोस्तों को कॉल किया मुंशियारी कि वहाँ बनेगा नहीं बनेगा करके, तो उन्होंने कहा कि बन जाएगा। तो गाइस इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ मुंशियारी, तो गाइस बने रहे ब्लॉग पे और वहाँ पर जाकर अपनी हेडलाइट बना के तो इधर घूमने जाएंगे और जो रात का रेस्ट होगा वो ऊपर दोस्तों के यहाँ बुलाती हैं। तो गाइस बने रहे ब्लॉक पे। गाइस बना लिया गाड़ी, लाइट वगैरह बना लिया और हमारा दोस्त भी मिल गया यहाँ पे राज भाई। अब जाते हैं यहाँ से उसको पार्क, ये पीछे बंदा है अब जाते हैं। गाइस अभी हम कॉलेज की ओर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सुंदर होटल है, यहाँ पे और अभी हम पहुंच रहे हैं जस्ट कॉलेज के नीचे। काफी सुनहरा मौसम हो रहा है, देखिए आप गाइस ये पंचसूरी दिख रहा है आपको सामने। इसके वहां देखिए हम पहुंच चुके हैं मुंशियारी और मैं सीधे गाड़ी आड़ी बना के लाइट हाइट लगा के सीधे अब जा रहे हैं हम कॉलेज को आए हैं, मतलब अब जहाँ पे हमने पुराना 12th पास किया था। हमने कहा क्यों ना आज उसका एक नज़ारा दिखा जाए। तो गाइस हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं कॉलेज की ओर। तो गाइस सामने देख सकते हो कॉलेज, काफ़ी सुंदर नज़ारा आज का, काफ़ी रिपेयर कर रखा है इसको और काफ़ी सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया। यहाँ से ही हमने 12th पास करी थी गाइस और यहाँ पे हम प्रार्थना करते थे सुबह सुबह, और वो सामने स्टेज था और ये सारे क्लासेस है। सारे यादें हैं मेरे इस कॉलेज में से, काफ़ी मज़े किए थे हमने इस कॉलेज में और काफ़ी इंजॉय के साथ हमने 12th पास करा था यहाँ से। गाइस ये है मेन गेट और यहाँ पर सब अंदर जाते थे यहाँ पर से, और ये था हमारा क्लास सामने। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ जब हमने यहाँ से 12th करा था तो ये 11th वाला क्लास था, फर्स्ट क्लास हमने यहाँ पे पढ़ा था गाइस और सेकंड क्लास था हमारा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर से 12th पास किया गाइस। आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर बना रखा है आजकल गाइस नीचे, और यहाँ के जितने भी छात्र हैं वो नीचे है, नीचे वाले स्कूल में पढ़ते हैं और तब तक ये मतलब तैयार हो चुके हैं हमने यहाँ। अब कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, हम देख सकते हैं गाइस काफ़ी सुंदर बना रखा है। वो जगह है जो हम जहाँ पे हम मैथ्स की क्लास बैठ के पढ़ा करते थे सब लोग लगभग 9-10 दिन से, और तो हम यहाँ पे बैठते 12th में यहाँ पे पीछे खेल भी करते थे और खेलते थे भी थे और पढ़ाई भी करते थे और सामने नीचे यहाँ पर भी। मगर यहाँ से इस तरह दिखता है हमारा गांव जो पीछे सामने वाला पहाड़ के पीछे है। यहाँ पर घूम लिया हमने कॉलेज में, अब यहाँ से जाता है खाना खाने के लिए क्योंकि उन्होंने सुबह से खाना खाया नहीं है। तो आज अब जाता है खाना खाने के लिए होटल में, फिर खाना खा के फिर देखते हैं इको पार्क का सीन, फिर यहाँ से जाते हैं इको पार्क घूमने के लिए। अनिल दा के होटल में तो यहाँ खा रहे खाना, अब ये खाना बन देखिए अम्मा जी ने, ये देखिए बिल्कुल खाना फ्रेश। और इसके भाई शेर ने पा लिया तूफान और मजा ना और मजा
पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे इको पार्क, और यहाँ पर हमने गाड़ी वाड़ी लगा दी है, पार्किंग एरिया, यहाँ पर आप गाड़ी वाड़ी लगा सकते हो। उसके बाद हमें जाना है इसके अंदर, वह चलता है इसके अंदर, और यहाँ पर सह रास्ता मेन गेट ये है सर इको पार्क, और यहाँ से अंदर, और ये है इको फीस 50 रुपये, कोई बैठे नहीं है गाइस, और यहाँ पर भी ऑफिस टाइप का लिखा है, और उसके अंदर जाते हैं अब, और यहाँ पर है काफ़ी खतरनाक नज़ारा। तो यू विल नेवर नो इफ यू नेवर गो वेल, और यहाँ पर भी है जहाँ जहाँ जाना आपको यहाँ पर दिशा निर्देश है, यहाँ पर से यो मत करो। पहले हम इस साइड को जा रहे हैं, यहाँ पर से एक रास्ता ऊपर को जाता है, एक यहाँ को जाता है, तो हम इस साइड को जा रहे हैं पहले, और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया यहाँ पर आज, प्यारा अक्षरों से लिखा गया है इसमें एडवेंचर, तो आप सोच सकते हो कितना खतरनाक एडवेंचर हो गया यहाँ पे, और इसमें काफ़ी चित्र वगैरह बना रखे हैं। और गाइस नीचे यहाँ पर चलने का है, और रस्सियों में से अभी जाएंगे इसमें हम थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर लगा रखा टायर इसमें बैठने बैठते ना इसमें, हाँ। तो गाइस ये झूल रहा है, जैसे कि आप लोग आओगे तो आप भी ऐसे झूलोगे। आज यह फोटो खींचने के लिए बड़ा सा जगह बना रखा है, यहाँ पर आप बैठ के फोटो खींच सकते हैं टन करके। और इसके अंदर आप जैसे बारिश वारिश होती है आप इसके अंदर रुक सकते हो, काफ़ी बढ़िया बना रखा है, बिछा भी रखा है नीचे से, तो आप इनके अंदर बैठ सकते हो बढ़िया करके जब आप पे बारिश वारिश होती है। हेलो गाइस, तो देखिए इसके बाद अभी चढ़ते हुए यहाँ पे देखिए पैर में गाइस, देखिए काफ़ी खतरनाक किलर पहाड़ के नाम से जाने जाते हैं। देखिए नेवर गिव अप, चलो गे स्टार्ट, आजा वहां से बैक करेगा। ऊपर चढ़ के आ गया हूँ, और अब उतरते हैं ऊपर से नीचे और चलते हैं ऊपर की ओर। गाइस यहाँ से ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे भी है कुछ देखने के लिए, काफी शानदार बना रखा है, चलते हैं यहाँ से ऊपर। यहाँ पर बैठ चाबी लग गया, फिर यहाँ पर फोटो नहीं लगा। यहाँ पे भी सालिम का बना हुआ था ये झोपड़ी, और यहाँ पे भी ताला ताला लगा के बंद कर रखा है। झूले झूलने का काफी शानदार मस्ती आती है इसमें, झूलने का काफी मजा आ रहा है क्या है ना मादर सूर। तो गाइस इस झूले में झूलने का काफी ज्यादा मजा है, तो आप भी झूले ऐसे इस झूले में आइए, और काफी बढ़िया मजा आया आपको भी झूलने में, मजा आएगा झूलने के लिए। तो गाइस एसके भाई ने सुबह से मुंह नहीं धोया है, जल्दीबाजी में मुंह धोना भूल गए हैं, तो अभी अपना मुंह धो रहे, बोले तो छोटा स्नान कर रहे। देखिए इसके भाई थोड़ा स्माइल के साथ, देखो 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 इधर देखो ये कुर्सी वर्सी भी लगे हुए हैं, और बहुत सारे बच्चों के झूलने के लिए भी है यहाँ पे, खेलने के लिए काफी सारे हैं बनाए हुए, और सामने दो बच्चे झूल रहे हैं, और देख सकते हो ये दो ही लोग आए हुए हैं। और एक कैंटीन है यहाँ पे भी, आप चाय हाय समोसा चाउमीन सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप सब खा सकते हैं यहाँ पर से। ये 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 तो इसमें झूलने का मजा भी कुछ और ही है। एक बार हम अल्मोड़े में भी झूले थे ऐसे झूले में, और डाना धार में भी झूले थे, और आज यहाँ पे झूले हैं, तो काफी मजा आ रहा है। हो गया फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे लाती बैंड, और यहाँ पे हमारे दोस्त रहते हैं, तो आज हम यहीं रहते हैं रहेंगे। तो गाइस दोस्त फाइनली पहुंच चुके हैं, हम आए थे यहाँ, और ये अभी गेट हेट लगा रहे हैं। तो भाई कैसे मजा आ रहे हैं यहाँ? सुपर मजा आ रहा है। और अब चलते हैं गाइस यहाँ से घर को, मतलब रूम को। गाइस हम पहुंच चुके हैं ब्लाती, और ये लोगों ने देखो कितना आलू लगा रखा है यहाँ पे,
हर जगह जितने सारे खेत दिख रहे हैं सारे इन्होंने यहाँ पे आलू अलग बो रखा है ये, क्योंकि अब आलू होंगे बाद में। तो काफ़ी ज़्यादा लगभग 300 कुंतल यहाँ पर आलू उगाया गया है। और ये है इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा, ये काफ़ी सूखा हुआ है। अभी पहुँच चुके हैं हम बलाती में और अभी जस्ट मेरे साथी वाले मेरे को मिल गए हैं और मैं इनके साथ घूम रहा थोड़ा देख रहा हूँ यहाँ पे कैसा है क्या है सीन। देख सकते हो मेरे पीछे पूरा ये बगीच बना रखा है आलू का ही आलू का। और यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब ड्यूटी वगैरह भी करते हैं रात को। गाइस फाइनली पहुंच चुका मैं यहाँ पे। तो गाइस आज का ब्लॉग ही पेंट करता हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे गाइस एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।